students, welcome back another session of English First. Students, in our previous session we have discussed about word meaning of this chapter and question answer also. Today I am going to explain you exercise of this chapter. So all of you open page number 33 in your English First book and look at section E. Students, हमें क्या करना है, write if statement is true and if it is false. हमें एक्सरसाइज में क्या करना है स्टूडेंट्स, कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 4 एंड हमें करना क्या है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, ओके, और ये बताना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स. अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है देन वी हैव टू राइट टी ओवर हियर, और अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है, देन वी हैव टू राइट एफ ओवर हियर. क्लियर स्टूडेंट? सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज ग्रैंडफादर फॉलोड हैडी. हैदी के दादाजी ने हैदी को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे आने लगे या उसका अनुसरण किया. फॉलोड मीन्स, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में क्लियर किया था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोड? किसी के पीछे पीछे आना, किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना. तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है? ग्रैंड फादर फॉलोड हैदी. हैदी के दादाजी जो थे वो हैदी के पीछे पीछे आने लगे. इज इट राइट? नो. करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? हैदी फॉलोड ग्रैंडफादर. ओके, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? ग्रैंडफादर फॉलोड हैदी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी विल पुट एफ ओवर हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज देयर वर नो चेयर्स इन द रूम. हैदी के दादाजी की जो हट थी उसमें जब वो रूम में एंटर की तो उसने क्या देखा? उसमें कोई भी चेयर नहीं थी, उसमें एक भी चेयर्स नहीं थी. नो, वहां पे एक कॉर्नर में चेयर्स रखी हुई थी. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड वी विल पुट एफ ओवर हियर. क्लियर? मूव ऑन थर्ड स्टेटमेंट. देयर वॉज अ लार्ज कैटल नियर द फायर प्लेस. There was a large kettle near the fireplace means कि fireplace क्या होता है students? मैंने आप लोगों को समझाया था ना, fireplace वो जगह होती है जहाँ पर हम आग जलाकर रखते हैं अपने रूम को गर्म रखने के लिए. ओके, हमारा statement क्या कह रहा है कि जो उस रूम में fireplace था उसके पास में एक large kettle hang की रखी हुई थी या फिर hang की गई थी. Is it right? वेरी गुड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी पुट टी ओवर हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव ऑन फोर्थ स्टेटमेंट. देयर वॉज अ लैडर टू द लॉफ्ट. वहां पर एक लैडर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सीढ़ी, एक सीढ़ी रखी हुई थी. देयर वॉज अ लैडर टू द लॉफ्ट. Very good. This statement is also true. So we put T over here. Clear? The last statement is the hay was dirty. जो सूखी हुई घास रखी हुई थी, hay means dry grasses. जो सूखी हुई घास रखी थी वो बहुत ही dirty means बहुत ही गंदी थी. No, वो तो बहुत ही sweet smelling थी ना. So this statement is also wrong. We put F over here. Clear students? ये true false सभी को समझ में आ गया अच्छे से? Very good. Now we move on next exercise, that is section F. Who said to whom? हमारी next exercise क्या है students? हमें क्या करना है? Who said to whom? हमें कुछ statements दिए गए हैं, उनको हमें read करना है और ये बताना है कि वो statement किसने किससे कहा था. जैसे जब दो लोगों के बीच कन्वर्जेशन होती है तो उसमें कोई भी किसी सामने वाले से कुछ कहता है, सामने वाला अदर पर्सन से कुछ कहता है. उसी तरह से जो हमारे फोर्थ चैप्टर में जो हैदी और उसके दादाजी के बीच कन्वर्जेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किसने किससे क्या कहा. ओके, सो हु सेड टू होम. फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, I want to see your hut.
said to her grandfather. So we write over here, Tabby said to her grandfather. Clear, students? Any doubt? Very good. So, I want to see your head, Tabby said to her grandfather. Clear? Next one is, wherever you like. Tum jahan bhi chaho. Jab Tabby ne apne dada ji se pucha ki main is room mein kahan par so sakti hoon. To uske dada ji ne kya jawab diya tha? Wherever you like. So, who said to whom? Grandfather said to Tabby. Clear? What we have to write over here? Grandfather said to Tabby. Clear, student? Samajh mein aa raha hai sabko? Very good. Grandfather said to Tabby. Clear, students? Last statement is, I will sleep here. Main yahan soungi. Who said to whom? I will sleep here. Who said to whom? Very good. Tabby said to her grandfather. Tabby said to her grandfather. Clear, students? Clear, students? Now, exercise given on page number 34, section G, will be your homework. Okay? You have to complete these exercises in your English first book. Click the picture of that and send it to me. Okay, students? That's all for today. Thank you so much.